इंडियन आइडल पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्वींस ऑफ 90s। तो स्वागत कीजिए इंडियन म्यूजिक का प्राइड नेशनल अवार्ड विनर पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी एंड द वेरी वेरी मेलोडियस नेशनल अवार्ड विनर। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साधना सरगम जी। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया हो फुर्सत से तुझे मिला, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे यार। देखो भाई, हमें मेलोडी किंग बोलते हैं। मैं समझता हूं कि बिना मेलोडी क्वीन के किंग अधूरा है ना। तो इसीलिए 90s का मेलोडी क्वीन जो है, उन दोनों को मैं लेके आया साथ में। हुसैन दादा किंग ऐसे खड़े हो गए। इधर आइए, इधर आइए। आ गया। खड़े रहने का एक किंग का एक स्टाइल, एक अंदाज। नहीं ऐसे रहेगा। छोड़िए मत दादा, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। मैं नहीं हटेगा दादा, अब मैं नहीं हटेगा। देखिए, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे ये चीटिंग है, लेकिन 90s की क्वींस के लिए, जिनके लिए हमारा हार्ट तब से बीटिंग, उनके लिए बनती है थोड़ी बहुत चीटिंग, है कि नहीं? सही है। You are not just the queens of 90s, आप queens of music industry हैं। पिलर्स खड़े हैं हमारे सामने यहाँ पर। Thank you so much. Thank you so much, श्रेया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इंडियन आइडल का ये मंच, ये इसकी महिमा ही कुछ और है। और ये कंटेस्टेंट तो कमाल हैं। सबको ऑल द बेस्ट। इंडियन आइडल के इस मंच पे Anna, it's always a dream for me. Thank you. It's a pleasure. Bye. आइए। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से चलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। India, welcome to Indian Idol. आइए बुलाते हमारे पहले कंटेस्टेंट को, तालियां उनके लिए। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। माइंड ब्लोइंग। और साधना जी का गाया ये गाना बन गया इंडिया का लव एंथम। और अब आप सब भी दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज इसी गाने पे अपना जादू चलाने आ रहे हैं सुकून की शक्ल। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, चुन लिया। मैंने सुन लिया गुजार कर लो मैं क्या अपना है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता Thank you so much. बहुत कुछ बोलने जैसा है लेकिन अभी तो मैं यही कहूँगी छा गए आप. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you ma'am. उदित जी का छाया हुआ है हमारे दिमाग पे उनकी आवाज़ उनकी अदा उनकी लेकिन आपने अपने ढंग से उसको अपना के गाया. सचमुच माता सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है. जतिन जी ललित जी उन्होंने खुद यह गाना अरेंज किया है. विजू शाह जी ने इसमें जो इंट्रो म्यूजिक है वो बजाया है. देखिए कितने बड़े बड़े नाम इसमें जुड़े हुए हैं. फराह खान जी मंसूर खान जी और मजरूह सुल्तानपुरी जी उदित नारायण जी सबके लिए तालियां. आपने कौन से सुर में गाया? मैं तो एफ में गाती हूँ वो भी नीचे करके गाती हूँ सुर. मैम जी मैं जी में नहीं गाऊंगी एफ में. उसने ये बात की कुछ ऐसे ढंग से सपने दे गया वो हजारों रंग के रह जाओ जैसे मैं चूमे वो मुझे प्यार से पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना क्या हिट पे लिट क्या आपका है. जी जी ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है. थैंक यू मैम थैंक यू. दोस्तों हमारे अगले सिंगर है दिलबर दीपन. कोई भी ताली मत बजाइए. और इसीलिए इन्होंने सीधे सीधे शाहजहां से टक्कर ले ली और अकेले ही पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद अपनी पिकुली के लिए ताजमहल बना दिया. अभी भी ताली बंद मारिए बंद मारिए. और ये बताइए जो उन्होंने 2 दिन में ताजमहल बनाया क्या आप लोगों को देखना चाहेंगे? जी देखना चाहेंगे. दिल थाम के बैठिए और अपनी नजरें यहाँ नहीं वहाँ वहाँ देखिए. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं. है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं. जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं. है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं. है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं. है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम। ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस बुला रही है? दादा थोड़ा नजाकत से बोलो ना। अनुराधा पौडवाल एंड साधना सरगम। अनुराधा जी और साधना मैम आए हैं तो उनकी तरफ देखी मैं गा रहा था। नहीं, तुमको इस नजर से देखने का कोई हक नहीं। नहीं, तुम इस नजर से मत देखो। पिकुली को जिस नजर से देखते हो, इन दोनों को कम से कम बख्श दो। जिसके लिए भी गाया, लाजवाब गाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका इनके साथ रिकॉर्डिंग या इतने सालों के परफॉर्मेंसेस में क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाउ वाज इट? दादा जो है ना, वो कमाल है। वो उनकी एनर्जी कमाल है। वो स्टूडियो में आते हैं ना तो लगता है एक तूफान आ गया स्टूडियो में। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। जब से तुमको चाहा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू। बन जाऊं जब से तुमको मांगा है सनम, नींद है ना मुझे कहीं चैन। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। तुमको मांगा है नींद है ना मुझे कहीं चैन। थैंक यू सो मच सर। तुमको देखा है सनम क्या कहें। शुभो, शानुदा की दो मुस्कुराहट हैं। एक मुस्कुराहट ये कि बहुत अच्छा गा रहा है और एक मुस्कुराहट ये कि मेरे गाने को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जब आप गा रहे थे हमने एक दूसरे को देखा और दादा के चेहरे पे एक्चुअल खुशी थी। बहुत रेयर बात है ये। सही बात। जब लो नोट आपका इतना अच्छा लगा, जब एक्सप्रेशन में आपने आवाज नरम कर दी। जब से तुमको देखा है सनम, और फिर आपने खुल के जब हाई नोट्स पे गाने थे अंतरे में। हाँ, पहली नजर ने किया ऐसा जादू। आई थिंक यू डिड एन एक्सेप्शनल जॉब, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि तूने गाने में ना जो चाहिए था, जितना चाहिए था तो उतना ही किया। तू मेरा आवाज़ को नकल नहीं किया। तू मेरा गाने का शैली हो, गाने का जो स्टाइल है उसको तू अपनाया, लेकिन तू अपना वॉइस में उसको गाया। एंड दैट इज़ योर ब्यूटी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि 90s का जो समय था, दैट वॉज इट्सेल्फ ब्लेस्ड। जो भी उस वक्त जो भी गाना बनता था, दैट वॉज सुरीला ही बनता था। क्या बात। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज की ये जनरेशन उतने ही प्यार से और उतनी खूबसूरती से वो गाने गा रही है। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। जब से तुमको चाहा है सनम कितने हैं बेचैन। जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। जब से तुमको चाहा है सनम कितने हैं बेचैन। संगीत का साक्षात स्वरूप। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मेनुका पौडेल। छुपके से रात की चादर तले, चांद के लिए आहट न हो बादल के पीछे जाने। जले कतरा कतरा गले कतरा कतरा, रात भी ना मेरे को जो हमेशा होता है इस बार भी वही हो रहा है। तुम्हारा गाना सुनते वक्त जो मेरे मन में बात आ रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम बाबा को बहुत मानती हो, साईं बाबा को, राइट? जी मैम। बाबा का इतना आशीर्वाद है तुम पे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो चीज़ देखने की ज़रूरत है ना, वो करेक्ट नज़र दी है, वो है सुर। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। वो कहीं पे चूक नहीं हो रही है, हर सुर दिल को छूते हुए गया। बहुत सुंदर बात है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत गायन। तुमने कुछ कुछ जगह पे इम्प्रोवाइज भी किया, थोड़ा सा लेट लय को पकड़ के गाया। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर। आजकल जितने भी सिंगर हैं सब परफॉर्मर होते हैं। फैंसी कपड़े पहन के स्टेज पे किस तरह मूवमेंट होना चाहिए, किस तरह से ऑडियंस को मोह लेना चाहिए, वो सब लेकर जाते हैं स्टेज पे। आप वो सब छोड़ के जाती हैं, जैसे बाहर चप्पल उतार के जाते हैं ना मंदिर में, वैसे आप स्टेज पे आती हैं। You're an incredible artist, incredible. Thank you so much sir. मैं यहाँ बैठ के नहीं, मैं उसको गले लगाना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ आना चाहती हूँ। चुप कैसे लग जा गले। She is wonderful. परमात्मा की कृपा है आप पे, इसलिए आप हृदय से गाती हैं, इसलिए सबके हृदय तक पहुंचती है आपकी आवाज़ और सबके दिलों में आप बस गई हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये गाना श्रेया ने भी गाया है। मुझे ये गाना इतना इतना पसंद है, इसलिए मैं गाती रहती हूँ जब भी मौका मिलता है। विशाल जी की ख्वाहिश है कि आप दोनों वो जादू हमको, मैंने बोला अगर आप दिखा सके दो लाइन में। कम ऑन। चुपके से रात के काजल तले चांद की भी आहट ना हो बादल के पीछे चले जले खतरा खतरा गले खतरा खतरा रात भी ना ले आधी आधी रात भी नहीं ले आधी आधी चुपके से लग जा गले रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो बादल के पीछे चले। ये गाने के लिए तो बनता है, लेकिन हम इसको बड़ा सॉफ्टली बोलेंगे, ठीक है? ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है। थैंक यू सो मच। जब कोई बात बिगड़ जाए, हमारी ख्वाहिश है कि वो गाना हम आज भी सुने। तो प्लीज कम अप ऑन स्टेज एंड जॉइन अस फॉर दिस सॉन्ग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.